दिन ब दिन मियां बीवी के झगड़ों में इजाफा। इसी तरह का एक वाकया बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन हुदूद में देखने को मिला। फसलानसर की रहने वाली साहरा बेगम के साथ छोटी सी बात को लेकर हुआ झगड़ा। तफसीलात के मुताबिक साहरा बेगम की शादी 4 साल कबल सैयद सलमान नामी शख्स से हुई थी। साहरा बेगम का कहना है कि उनके शौहर सलमान शराब के नशे में इन्हें मारा पीटा करते थे। इसी बात को लेकर सलमान और उनके घर वालों का जुल्म किसी न किसी बात को लेकर बढ़ता जा रहा था। कल रात इनके घर वालों का जुल्म कुछ हद से ज्यादा ही बढ़ गया। इस बात की शिकायत साहरा बेगम ने बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाने गई, लेकिन उन्हें वहां से कहा गया कि आपका आपसी मसला है, लिहाजा आप अपने घर में ही सुलझा लो। नाजरीन, पुलिस का काम होता है कि छोटी हो या बड़ी कोई भी शिकायत हो तो उसे सुने और उस पर कार्रवाई करे। बहरहाल साहरा ने क्राइम कंट्रोल न्यूज से मुखातिब होकर अपनी तकलीफों का इजहार किया। आइए सुनते हैं साहरा की कहानी उन्हीं की जुबानी। मोहम्मद आमिर के साथ क्राइम कंट्रोल न्यूज हैदराबाद। बेगम है, मैं फसलानसर की रहने वाली हूँ। हम मियाँ बीवी का छोटा सा झगड़ा था फोन के वास्ते, बस वो फोन के वास्ते इतनी बड़ी लड़ाई हुई। नंदा आए भी, मारे भी, फिर घर पे बुलाए भी, फिर मारे हैदर सिद्दीका जबीन सब मिलके मारे मिले। इतनी बात पे उन्होंने मेरे को 5 भी बोले, बच्चे नहीं हो रहे बोले, भाई की दूसरी शादी भी कराते बोले, पुलिस स्टेशन में गए भी, कंप्लेंट भी लिखा है, फिर 3 नंबर PS में मेरे को भी मारे। आज अम्मी के संगात गई मैं, कल रात में भी जाके कंप्लेंट लिखाई, कुछ भी एक्शन नहीं लिए। आज सुबह 10 बजे आओ बोले, 10 बजे गई तो कुछ भी एक्शन नहीं लिए। दोनों में भाई और क्या बोलते, सुनो मेरे हस्बैंड भी ननंद दोनों मिल के आए, जो रात में मारे उनको तो बुलाए भी नहीं, पुलिस वाले एक्शन लिए नहीं। 3 नंबर PS में ननंद मेरे को मारे और कुछ भी नहीं बोल रहे, कॉम्प्रोमाइज कर दो बोल के पुलिस वाले तब बोले। मैं क्या वजह से कॉम्प्रोमाइज करूँ बोलो, रोज़ पी रहे मरद, रोज़ मारे। बड़ी ननन बेबी जो बोलने वाली है उन्होंने हर वक्त मरद को सिखा रहे, मेरे बच्चे नहीं हो रहे, मैं दूसरी शादी करा डालती, 5-6 लोग बोल के बोलते जा रहे हैं। क्या वजह से तकलीफ दे रहे, आज नहीं कल होते, मेरे को भी मालूम है, सबको मालूम है, बोलते मैं खामोश हूँ, देने वाला अल्लाह है बोलते खामोश हूँ। फिर भी बड़ी ननन जो बेबी है बोलने वाली रात में इतना मारी, मेरे को कुछ पूछना नहीं। हम यहाँ भी के छोटे से झगड़े में इतना बड़ा कर दिए, हम दोनों की शादी भी तोड़ा देते बोल रहे, और क्या बोलते सो दूसरी भी कराते बोल के बोले, बात करेगी बांध बोल के बोले। मारने वाले मेरे को हैदर है, हैदर उनके दोस्तों को लेकर, हैदर बोलने वाले कमेटी हाल के पास रहते, टीवी वाले मोइन भी की दुकान के पास रहते, 5-6 दोस्तों को ले लेके आके हंगामा करे, बात करे कि गलीस गलीस गालियाँ दे रहे हैदर। मेरे शौहर तो कुछ भी उफ तक नहीं करे, वो लगा बोल रहे तो खामोश खड़के सुनते गए। जो बड़ी ननद थी मेरे को एक से एक गाली दी, बेबी बोलने वाली, उसका मरद का नाम है क्या बोलते सब हबीब है, उन्होंने सब मिलके मेरे को बातें करे। मेरे शौहर तो मुंह नहीं खोले, कुछ बोल रहे नहीं, बहनों की सही बोल रहे, मेरी गलत बोलते जाओ। 3 नंबर PS में जाके कंप्लेंट भी लिखाई, पुलिस वालों के सामने बोली कि एक्शन लियो, कुछ तो भी करो, वो तो लगा कुछ भी नहीं बोल रहे। अब 4-5 बजे के टाइम पर बोल रहे मेरे को कॉम्प्रोमाइज़ कर दो बोल रहे 3 नंबर PS से। अब क्या बोल के कॉम्प्रोमाइज़ करना साहब बोलो, मेरे को इंसाफ होना बस। मारने वाले सिद्दीका जबीन हैदर बेबी हबीब, तीनों के नाम, 4-5 जनों के नाम है। मेरे शौहर तो कुछ भी नहीं बोल रहे, चढ़ाने वाली बेबी है, पी रहे खा रहे मेरे शौहर, रोज शाम में आ रहे मेरे को मारने, टॉर्चरा दे रहे, ये पूरे मिलके टॉर्चरा दे रहे। हम यहाँ भी का छोटे से झगड़े को इतना बड़ा कर दिए लगा, बेबी बोलने वाली फसाद की जड़ है, जो भी करना मेरे को इंसाफ होना, ये एक्शन लेना पुलिस वाले 3 नंबर PS वाले एक्शन लेना, मेरे शौहर को बहनों को हैदर को उठाना। जो बोलने वाले है वो हैदर बेबी है, हैदर बोलने वाला बेबी का बच्चा है, टीवी वाले मोइन बेगी की दुकान के पास रहता, उठाना उनको, एक्शन देना मेरे को इंसाफ होना 3 नंबर PS से। जो भी करना पुलिस वाले करना, एक्शन ही नहीं ले रहे सब 3 नंबर पुलिस वाले मेरे खिलाफ, तो एक्शन ही नहीं ले रहे। मैं इतना इंसाफ करो बोल के सुबह से ये टाइम बैठी, अम्मी के संगात भी जाके आई, अम्मी की तबीयत खराब हो गई, हमारे अम्मी को हार्ट आया था, ये अम्मी की वजह से चल रहा था इससे पहले, अब फिर देखे तो फिर वैसे ही कर।